रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिचुएशन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। अगर आपको सवाल में यहाँ पे इफ़ वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -3 एंड स्लोप इज 3/4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो इसकी मदद से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में आप लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट, और जब स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो आपको सी कहेंगे और इसकी वैल्यू आपको -3 है, और स्लोप आपको गिवन है 3/4। मालूम आपको करके देनी है एग्जामिनर को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और सबसे पहले अगर हम डेटा में देखें तो डेटा के लिहाज से जो फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, तो वो हमारे पास बनेगा y इक्वल mx प्लस सी, क्योंकि आपको स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। अब यहाँ वैल्यूज डालेंगे तो y की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, स्लोप की वैल्यू है 3/4, यहाँ पे x प्लस और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है -3। सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे, y इज इक्वल्स टू 3/4 x प्लस माइनस -3। अब यहाँ आपको लेना है सिंपल सा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो 4 1 4, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इस नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 एक्स, माइनस लगाएंगे 4 3 12। अब ये 4 यहाँ से शिफ्ट करेगा वाई के पास, इक्वल्स टू 3x-12। आपको इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखनी है, और जनरल फॉर्म में कोशिश करते हैं कि एक्स पॉजिटिव हो, उसका मतलब है ये चीज़ें यहीं रहेंगी, वाई शिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसको सीधा कर देंगे, 3x यहीं है, y वहाँ जा रहा है तो -4y, 12 भी यहीं है तो -12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, और यहाँ कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि इसके पास 3 और इसके पास 4 है, तो कॉमन नहीं निकल सकता। अगर आपके पास कॉमन निकलता है तो आप उसको निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।